टीच मी डेली के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दिस इज भूपेंद्र सिंह मेहरा। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड नए नए वीडियोज अपलोड करते रहते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ पर से सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें और ट्विटर में हमें फॉलो कर लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 19 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। कैसे पता करते हैं कि कोई नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं है? इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको 18 तक का नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं या फिर आप उन वीडियोज़ को और देखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे साइड में कार्ड्स में जाकर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के लास्ट में जाकर भी देख सकते हैं। 19 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इजी है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 323। तो क्या 323 19 से डिविजिबल है? 323 19 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका लास्ट डिजिट लेंगे, जो कि इसमें 3 है, इसमें इंटू 2 कर देंगे। 3 2 6, और जो बचा हुआ नंबर होगा उसमें ऐड कर देंगे। तो 6 प्लस 2 8, 3 ऐसे आ जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि 38 19 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 323 भी 19 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6859। इसको भी ऐसे करेंगे, लास्ट डिजिट लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18, और इनको आपस में ऐड कर देंगे। 8 प्लस 5 13, 13 का 3 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 प्लस 1 7। तो अभी हमें पता नहीं लगा है कि 703 19 से डिविजिबल है या नहीं है, तो फिर से इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, तो ये आएगा 6 7, ऐसे आ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 76 19 से डिविजिबल है, 19 4 76 होता है। या फिर अगर आपको अभी भी पता नहीं लग रहा है तो आप इसे फिर से फॉलो कर सकते हैं, लास्ट डिजिट के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके। तो 76 19 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 6859 भी 19 से डिविजिबल होगा। हमें पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और Google+ में जरूर शेयर करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ऑनलाइन हिंदी में प्रिपरेशन के लिए आप टीच मी डेली का YouTube चैनल अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।